नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? ग्राम विकास अधिकारियों, बड़े ही कल से कमेंट चल रहे थे, बोले हो अब तो तुम तो रहोगी कुमारी, पेपर देखकर हिल गया है ग्राम विकास अधिकारी। बात अगर मैं मेरिट की करूं तो मैं इस पेपर की तुलना कर रहा हूं पीछे आरएस प्री के पेपर से। सेम टू सेम, एम टू सेम, एस ओ एस ओ, एज इट इज, उसके जैसा ही लेवल इसका था, जैसा लेवल। जबकि आर एस प्री के अंदर तो सिर्फ जीके ही तो था, जीके जीएस ही तो था। ग्राम सेवक बनने के लिए उसे इंग्लिश भी आनी जरूरी थी, हिंदी भी जरूरी थी, मैथ भी जरूरी थी, रीजनिंग ये पास करने के लिए। जबकि आर एस के अंदर तो जीके से पास हो रहा था उसका, करंट और जीके से, चलो मैथ रीजनिंग थी, लेकिन न आए तो भी प्री उसका हो जाता है। इन दोनों पेपर की तुलना करो, आर एस में कितने लेवल के बच्चे बैठते हैं और गहन अध्ययन करते हैं उसका, फिर भी उसकी मेरिट 45 आर एस की। पास कितने किए? मात्र 20,000, यानी 20 से 25 हजार स्टूडेंटों में 45। यहां कह रहे हैं हम 1 लाख पास करेंगे, लगभग 1 लाख समथिंग पास बच्चे होंगे, यानी 70-80 हजार मान लो, लाख मान लो, तो तुम सोच सकते हो कि मेरिट क्या रहेगी। इसका मतलब मेरा यह मानना है, पहली बात, मेरिट का निर्धारण कोई अध्यापक कन्फर्म नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोल सकता कि 58.70 रहेगी। मेरिट का निर्धारण जो भी अध्यापक करेगा वो अमूमन की जाती है, यानी मैं मानता हूं कि जो 20 के 50 के लमसम है, कितने के? 50 के, जिसका 50 कट छंट के, जिसके 50% बच रहे हैं, कट छंट के तो इसमें नेगेटिव है ही नहीं, जिसके सही 50 बच रहे हैं वो अच्छी दौड़ के अंदर है। 60 वाले तो निश्चित होके बैठे, उन्हें तो मेहनत की तैयारी टेंशन लेनी नहीं है। 50 का मतलब ये हुआ कि 45 भी रह सकती है, जो जनरल ओबीसी की मेरिट, 55 भी रह सकती है। ये 50 एक बीच का आंकड़ा है, ऐसे नहीं कह सकता। आप कोई कह, गुरु जी मेरे 49 बने तो मेरा बताओ, थे तो 50 बोले। 49 वाले का भी हो सकता है, 52 वाला भी रह सकता है, क्योंकि 50 के अमूमन का मतलब 45-55 इसके मध्य को रहेगी। 50 के ऊपर है उस बच्चे को मैन की तैयारी। अब बात है कि सर मैन का अभी तक सलेब, और ये मेरिट सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? सरकार पता नहीं क्यों ग्राम सेवक के मेन पेपर से पहले अगर सरकार पटवार का रिजल्ट जारी कर देती है और पटवार वालों को अगर ज्वाइनिंग दे देती है, तो 5,000 बच्चे, वो भी तो इसके अंदर है, वो इंटेलिजेंट है सारे जो पटवारी लगेंगे, वो बच्चे 5,000 अगर मेन का पेपर नहीं देते हैं तो उनमें मेन के सिलेक्शन के और चांसेस बनते हैं।